नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 19 फरवरी 2022 को आज द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हो चुका है, जिसमें से कि आपको 80 प्रश्न पूछे गए थे और आपको 40 प्रश्न का सही सही जवाब देना था कहीं भी से। तो हम आपको आंसर शीट 80 में 80 मिलवाएंगे, बिल्कुल सही सही 100% सही आंसर होगा। तो सेट नंबर बी है, आपके पास कोई भी सेट हो दोस्तों, चाहे ए हो, बी हो, सी, डी, कोई भी हो, प्रश्न तो वही रहेगा, अंक नंबर चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपको याद ही होगा क्योंकि परीक्षा देकर के आए हैं। तो देखिए, बी नंबर सेट में पूछा गया था कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकरण बह रहा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकरण बह रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आर्सोनिक। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो पटना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो भारत में मुख्यतः बिटुमस कोयला पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। अगला प्रश्न है, बोलोविया में जनसंघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शायद हो जाएगा दोस्तों सही, इस प्रश्न में हमको डाउट है, अगर आप लोग जानते हैं तो बता दीजिए, और बाकी सब 100% सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बोलोविया किस महादेश के हिस्सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी तृतीय क्षेत्र होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सुडोन की मुद्रा क्या है, तो सुडोन की मुद्रा है आपका क्रोन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वर्तित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि सहकारिता शाखा समिति कानून कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1904 ईस्वी में, सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित हुआ था, 1904 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है, तो मुंबई नगर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र से। अअगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होता है, तो हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सही है। अगले प्रश्न की सी सही है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1986 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार
का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुनामी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस ग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न आपका, सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया, सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की लंबी सीमा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो काशीराम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान दिया गया है, तो 33% से अधिक दिया गया है, आपका 50 भी हो सकता है लेकिन 33%, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पंचायत, इसमें हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रुके इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, प्रश्न था क्या, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं दोस्तों रुके इसमें थोड़ा डाउट है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हाँ एक नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग सही से जानते हैं तो बता दीजिएगा, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट था। अगले प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पटना। अगला प्रश्न है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञात आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इवरिन था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनेवा संधि कब हुआ था, तो जनेवा संधि हुआ था दोस्तों 18 इसमें हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगभग में हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, बस एक आध प्रश्न ऐसा है जो कि आंसर नहीं मिला। उसके बाद देखिए, चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, विश्व का पहला समाजवादी देश है, तो रूस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्या है, रूस हो जाएगा, रूस ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे, तो पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, वियतनाम एकीकरण हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 1975, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किन्हें सीमता गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गाफर खान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आधारभूत शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर, इसमें ऊर्जा आयतात संचार तीनों आता है लेकिन शिक्षा नागरिक में आता है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेलग्रोन आयोग का संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों इस प्रश्न का बी हो जाएगा, आप लोग आंसर कर दीजिएगा जान रहे तो कमेंट में, नहीं तो इसका सही उत्तर हम कमेंट में दे देंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, अनेक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रोमो यून्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्राचीनतम कोयले की खान है, भारत का प्राचीनतम कोयले का खान है रानीगंज झारखंड में है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चतुर्थ। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, जॉन के ने। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो सिंगापुर आज़ाद हुआ था 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है भारत सदस्य नहीं है, तो ओपेक का भारत सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो मेघालय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायु परिवहन की का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वायु परिवहन भारत में शुरू हुआ था 1911 में, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नियत संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, कंडेला। अगला प्रश्न है बिहार का कितना क्षेत्र वनों से वंचित है, तो 7%, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धान एक प्रकार का है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, तो कोयला कार्बनिक खनिज है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो गहन खेती, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ है, तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 थीसिस किसने लिखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है मिल्त्रा उल अखबार के संस्थापक कौन था, तो राजाराम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो कहलगांव विद्युत तापीय बिहार में है, और ये कटी तापीय विद्युत परियोजना नगर पंचायत है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया, तो 1997 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अल्मीनियम किस खनिज का ऑक्साइड है, तो बॉक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड में। तो दोस्तों आज से एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही से उत्तर बताएं, जिसमें से मात्र 3 प्रश्न छूटा उसका भी आंसर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और हाँ, अगर आप अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, रेलवे, ग्रुप डी, आर्मी, नेवी, वायुसेना, जो भी करिएगा दोस्तों उसके लिए यहाँ मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।